हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है अष्टमी, शुभ अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग छोटा सा कन्या भोजन करेंगे, छोटा सा कन्या भोजन करने वाले हैं। और अभी सुबह बस वही काम की शुरुआत हुई है, मैं कर रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग और विक्की आज बना रहा है जूस। तो लेट मी शो यू, मौसमी का जूस बन रहा है आज ये। ये हम लोगों का नया जूसर। तो ये रीड डिफ्यूज़र है, आई एम सेटिंग अप अ रीड डिफ्यूज़र। ये मैं अपने वॉशरूम्स में रखती हूँ ताकि बहुत अच्छी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, एंड एक मैं अपने बेडरूम में भी रखती हूँ तो ताकि मुझे वो जो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र होता है वो ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छी माइल्ड इसमें से फ्रेग्रेंस आती है। तो ये मैं यूजुअली वॉशरूम्स में तो मेरे रहता ही रहता है, लेकिन एक मैं बेडरूम में भी रखती हूँ। तो मैं ये थोड़ा मिक्स एंड मैच कर रही हूँ जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको। हेलो गाइस, तो एक्चुअली आज अष्टमी है, वैसे तो पूजा वूजा सब हो गई हम लोगों की, आज अष्टमी है तो हम लोगों को जाना है आज खाना खाने। मतलब तीनू जहाँ पे विक्की पहले जहाँ पे रहता था ना, मतलब मेरे इन-लॉज जहाँ पे पहले रहते थे उन्हीं के सामने वाले घर में एक आंटी रहती थी। तो आंटी शी इज़ वेरी स्वीट, हर साल मैं जाती हूँ उनके यहाँ खाना खाने, कन्या भोजन में वो हम लोगों को बुलाती है। तो टीनू, मैंने बताया था ना आज वो आ रही है वापस, मतलब आ गई है, जस्ट 2 मिनट में आने ही वाली है, उसकी 1 बजे फ्लाइट लैंड होने वाली थी। तो 3 बजे मेरी फ्रेंड आने वाली है शिल्पा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऊपर कन्या भोजन करने वाले हैं तो उसकी बेटी को लेकर के। तो आ गई टीनू भी आ गई आई गेस। तो फटाफट से अब हम लोग आंटी के जा रहे हैं। टीनू बोलती तू गाड़ी बाहर निकाल के खड़े कर, मैं फटाक से ना फ्रेश होती हूँ और उसके बाद अपन भगा के लेकर के चलते हैं। तो अभी हम लोग वही आंटी के जा रहे हैं। तो अच्छा, टीनू आ गई, गिफ्ट लाई है। हाय एवरीवन, सो आज है नवमी, कल हमारी अष्टमी हो गई थी, एंड कल मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। एक तो मैंने आई थिंक वहाँ तक ब्लॉक किया था जब मैं एक आंटी के यहाँ लंच करने के लिए गई, फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी शिल्पा तो उसकी बच्ची भी हम लोग लगे रहे, मतलब उसके साथ बातें करती रही मैं बहुत देर तक। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कन्या भोजन होने लगी थी तो मैंने कैमरा ही नहीं उठा पाई, ना मैं मोबाइल से ब्लॉक कर पाई। तो अभी आज नवमी है तो हम लोग के यहाँ नवमी पूजन होती है, इसलिए मैं प्रॉपर ड्रेस्ड अप हूँ। मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ और ये वाला जो सूट है ये मैंने परचेज़ किया था लास्ट ईयर, जब मैंने 10 सूट मंगवाए थे कॉटन के लास्ट दिवाली पे पहनने के लिए, उसमें से एक है। सो दिस इज़ फ्रॉम बाइसा क्राफ्ट, अमेजिंग फैब्रिक क्वालिटी, अमेजिंग सूट। अगर आपको कॉटन के सूट पहनना पसंद है और इस तरह के दुपट्टा, ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब इतना अच्छा कंफर्ट लग रहा है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। बहुत प्यारा सा ऐसा कलर है, ब्लू एंड पिंक। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करिएगा। नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट कोलैबोरेटेड, मैंने ही परचेज़ किया था ये। तो ये वो आज पहना है, फर्स्ट टाइम पहना है अभी मैंने। तो मैं ऊपर जाते हैं, हम लोगों की पूजा होती है तो अब हम वहीं जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हाय एवरीवन, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो आज दशहरा है, मैंने कल वाला सूट ही पहन लिया अभी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, यहाँ भोपाल में एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, काली जी का मंदिर है वहाँ पर। तो अभी जस्ट गाड़ी वाड़ी सारी सुबह से धुल चुकी हैं, सब सुबह जल्दी उठ चुके हैं, नहा धो चुके हैं, एंड आज मैं सुबह वाला जो लंच है वो मैं मेरी मम्मी के घर जा कर के करने वाली हूँ। कल मैं मम्मी के यहाँ से आ गई थी तो मेरा थोड़ा मूड ख़राब, मतलब एक्चुअली उनको क्या हो रहा है, पैर में काफ़ी स्वेलिंग आ रही थी। तो उनको अभी कुछ भी होता है तो फिर मैं थोड़ी सी वैसी हो जाती हूँ, डाउन हो जाती हूँ। देन विक्की ने मुझे समझाया कि 1.5 महीना वैसे ही निकल गया है, 3 महीने का डॉक्टर ने बोला था कि प्रॉब्लम्स छोटी मोटी उनको होंगी। तो फिर विक्की ऐसे ही मुझे कंसोल कर रहा था कि 1.5 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, लुक एट द पॉजिटिव साइड, सिर्फ 1.5 महीना और बचा है। तो वैसा, और विक्की आ गया है, अब हम लोग करेंगे गाड़ी की पूजा। पहले इनकी करेंगे ना, ये वाली अंदर वाली गाड़ियों की कर दूँ, अंदर की रखी है। दर्शन वर्शन हमारे हो चुके हैं,
इतना ज्यादा रश था वहां पर, बहुत ज्यादा रश था. और अब हम जा रहे हैं मॉल. अब मेरी मम्मी फिर से टोकने वाली. मेरी मम्मी बोलती है मेरे को, तुम एक सूट लेती हो, एक सूट मतलब पहनना चालू करती हो, फिर चार पांच वीडियो में लगातार बैक टू बैक तुम्हारे वही सूट दिखते रहते हैं. तो जब हम ये मॉल से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो हमको 6 नंबर साइड में कुछ शॉप्स मिले थे. एक तो ये बैम्बू का शॉप था, मतलब शॉप नहीं बोलूंगी मैं, स्ट्रीट जो होता है ना उसमें बैठे हुए थे. तो अगर इफ़ इन केस आपको बैम्बू का कुछ भी लेना है, तो आप यहाँ 6 नंबर मार्केट में रोड पे ही बैठे हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं. ये बहुत ही अमेजिंग दिवाली कलेक्शन, मतलब फेस्टिव वाला जो कलेक्शन होता है ना टेराकोटा का, आप कलर्स कॉम्बिनेशन क्वालिटी उनकी देख सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. एंड रेट वाइज भी इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ऑनलाइन से ज़्यादा सस्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड बहुत ही यूनिक सी चीज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी. इफ़ यू आर रेनोवेटिंग योर होम या आप दिवाली डेकोर के लिए कुछ लेना चाहते हैं, चेक आउट दिस प्लेस एज वेल. अगेन कोई शॉप का नाम नहीं है, ये 6 नंबर में ऐसे ही स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं, ये साइड में आपको अलग से इनकी शॉप दिख जाएगी आप जब भी वहाँ से क्रॉस करेंगे. तो चेकआउट ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है. तो हमारे यहाँ पूजन वगैरह सब कुछ हो गई है. मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, मैं मेरी मदर इन लॉ टीनू, हम लोग जा रहे हैं साड़ियाँ लेने के लिए. तो आज वन शॉट हम सारी सब साड़ियाँ वाड़ियाँ जिसको जो पहनना होगा, जिस पे लिए टीनू को लेना है तो टीनू के लिए, मुझे लेना हो तो मेरे लिए, मेरी मदर इन लॉ को लेना है उनके लिए, मतलब सब साड़ियाँ हम लोग आज लेके आ जाएंगे. तो साड़ी लेने के लिए जाते हैं और मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ. आई एम नॉट श्योर कि मैं साड़ी का क्लिपिंग्स ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी. कोशिश करूंगी थोड़ी बहुत क्लिपिंग लेने की. तो लेट्स गो. जो मैं पहनी हुई थी घर में, मैं वही टॉप पहन के जा रही हूँ. लिटरली मैंने सिर्फ नीचे ना जीन्स पहन लिया और निकलते हैं. न्यू मार्केट ही जा रहे हैं हम लोग. और आज हम लोगों को जो टीनू ने लहंगा लिया है वो उसको मिलेगा. और मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था, तो उसकी भी फिटिंग विटिंग सारी चीज़ें होनी थी. अब वो मैं फेरे में पहनूंगी कि वो मैं संगीत में दिन में पहनूंगी या कब पहनूंगी मुझे नहीं पता. बट वो इतना सुंदर ड्रेस था और बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, मतलब तो वो भी रेडी होने के लिए दिया था उसको भी. तो वो सब रेडी और फिनिशिंग जो होता है वर्क उसका थोड़ा वर्क था उसमें, तो वो भी आज मिलेगा. तो यस, लेट्स गो टू मार्केट. ओके गाइस, लेट्स गो. I'm happy. It's not the first time I feel good, but it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do. That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again. The way it should be. You see, we're more than a couple. Of hours away from love. आई एम बैक. और मेरा हो रहा है अच्छा खासा हेडेक, मतलब हम तीनों का हो रहा है, मेरी मदर इन लॉ का, मेरा और टीनू का, हम लोगों का. आज हमने मतलब जम के शॉपिंग करते हैं ना, जम के मतलब तगड़ी वाली शॉपिंग करी है. टीनू ने एक लहंगा और लिया है, बहुत ही प्रिटी, मतलब इतना प्रिटी लहंगा है वो, मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था वैसा लहंगा है एक. उसके बाद हम लोगों ने 7 साड़ीज़ ली, जिसमें से मैंने एक भी नहीं ली, मैंने उसको चॉइस करवा दी थी. बहुत सुंदर सुंदर, मतलब टीनू जैसी लड़की जो साड़ी नहीं लेना चाह रही थी, आप इमेजिन करो, एक एक नज़र में साड़ियाँ पसंद आई हैं, इस लेवल की साड़ियाँ थी. उसके फ्रेंड्स लोगों की शादी होती रहेगी तो उसमें पहनेगी. मैं तो बहुत क्लासी पीसेस लिए हैं और एक से एक कलर, मतलब मेरे को भी बोल रहे थे लेने के लिए, बट मैंने इसलिए नहीं ली बिकॉज मेरी खुद की शादी की जो 5 साड़ियाँ हैं वो मैंने एक एक बार पहनने के बाद दोबारा पहनी नहीं है. तो मैं इसकी शादी में लहंगे वहंगे पहनूंगी. एक आध जो मेरी थोड़ी महंगी साड़ी है भाई, वो मैं पहनूंगी इसकी शादी में, रिपीट करूंगी डेफिनेटली. इतनी महंगी साड़ी है भाई, कहीं तो पहने. तो वैसा है. और आज मैं एक और, मेरा जो लहंगा है उसको भी मुझे प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है. मैंने एक ऑनलाइन देखा है लहंगा,
मैं उसका ब्रांड वगैरह आपको जब आ जाएगा ना तब बताऊंगी. मुझे काफ़ी पसंद तो आ रहा है वो लहंगा, तो लेट्स सी. और अभी एक और जो ड्रेस है जो मुझे पसंद आई थी वो तो हम लोगों ने मोस्टली जो शॉपिंग करी है, मैं आपको बताती हूँ, जो हमने गरारा वरारा सेट होते हैं वो हमने मोरनी कलेक्शन से लिया है. मोरनी कलेक्शन इज़ अ शॉप इन जो ये नखराली वगैरह है ना उसी की लाइन में, एकदम एंड में, 56 वो वाली लाइन में, न्यू मार्केट में है, वहाँ से हमने लिया है. उसके बाद टीनू का जो एक और लहंगा है वो अगेन हमने मोरनी से लिया है. जो हमने साड़ीज़ लिया है हमको विमल एम्पोरियम में तो बिल्कुल नहीं पसंद आया था, बहुत ओल्ड फैशन उनका कलेक्शन था. न्यू मार्केट में सब कुछ न्यू मार्केट से शॉपिंग हुआ है. बैरागढ़ हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. और टीनू को स्पेसिफिकली बैरागढ़ नहीं जाना था बिकॉज शी जस्ट डोंट लाइक बैरागढ़ वाला कलेक्शन. मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी पापा के घर मिलने के लिए, क्योंकि आज मैं गई नहीं, कल मेरी मम्मी का थोड़ा पैर दुख रहा था, तो मैं जा रही हूँ मिलने के लिए और उनको ये अपनी ड्रेस दिखा करके लाऊंगी, क्योंकि मम्मी का अप्रूवल होना तो बहुत ज़रूरी है भाई. मेरे सारे ड्रेसेस के अप्रूवल मम्मी देती है, तो वही आ रहे हैं विक्की और हम लोग मिल करके आते हैं, तो लेट्स गो. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे, आई डोंट नो, मैंने पता नहीं कितने नेक्स्ट डे करके शायद 7 दिन का व्लॉग कर दिया है, पता नहीं क्या. बट आई एम वेरी सुपर सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज इज संडे एंड आई एम गोइंग टू मीट विथ माई गर्ल फ्रेंड्स. सो आई एम मीटिंग विथ माई फ्रेंड्स लाइक आफ्टर सो लॉन्ग. और जब से मैं भोपाल आई हूँ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग विद एनी ऑफ माई फ्रेंड. तो मैं अभी जो शार लेने जा रही हूँ तो मैंने फेस पैक लगाया हुआ है और अब मैं फिर मिलती रहूँगी. मतलब मेरे काफ़ी सारे अभी लिस्ट हैं, कम से कम 5 लोगों से मुझे ये इन लोगों से मिलना है, फिर उसके बाद मुझे करिश्मा दीक्षा लोगों के साथ मिलना है, फिर मुझे जबस्वी से मिलना है, फिर राधिका है उससे मिलना है, ऐसे बहुत सारे 4-5 लोग हैं जिनसे मिलना ही मिलना है. मैं शार लेकर के आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. So I'm confused between 3 tops. Wait, let me show you. One is this one, second is this one, third is this one. Most probably मैं ये वाला final करने वाली हूँ जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ. We are friends since 15 years. Imagine, वो कहते हैं ना 10 साल से ऊपर आपकी अगर friendship किसी के साथ टिक गई तो वो friends नहीं होते हैं, फिर वो family बन जाते हैं. तो बस वैसे ही है कि comfort level वाला रहेगा ना तो मैं बिल्कुल आलती बालती मान के बैठ जाती हूँ. तो मैं jeans में ये सब कर सकती हूँ हरकतें, तो इसलिए मैं जा रही हूँ jeans पहन करके. जा रहे जहनुमा retreat, वहाँ अगर जगह नहीं मिलेगी बिकॉज संडे है, यूजली ऐसा होता है कि वहाँ पर काफ़ी यू नो भीड़ रहती है, तो नहीं अगर मिलेगी तो फिर हम सयाजी में बैठ जाएंगे. सयाजी में नहीं मिलेगी तो हम जहनुमा पैलेस चले जाएंगे, वहाँ तो मिल ही जाएगी 100%. तो देखते हैं, वहीं आसपास ही है सब कुछ, तो फटाफट से रेडी होती हूँ मैं. ओके गाइस, सो आई हैव डिसाइडेड दिस टॉप विद दिस जीन्स और ये रहा मेरा बैग और ये रहे मेरे फुटवेयर्स. Hey guys, so निकल चुकी हूँ मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए. आप मेरे फेस पे खुशी देख सकते हो, मतलब लिटरली हम लोग, मतलब जैसे अभी गर्ल्स डेट पे जाते हैं ना तो बहुत रेडी होके और बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के जाते हैं, क्योंकि होता है ना लड़कियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं, अच्छे अच्छे फोटोज हम लोग निकलवाते हैं, तो इसलिए. एंड ऐसा नहीं कि अभी, ये बहुत पहले से ही है, मतलब पहले भी हम लोग मिलते थे ना, कहीं भी मिलते थे, बेक एंड शेक भी, तब भी हम लोग ऐसे ही रेडी होकर के जाते थे. मतलब एक बार लड़कों से ऐसे ही मिलने, विक्की मिलने आता था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, एंड नहीं वो वाला फेस चल रहा था, हम शादी होने वाला, मतलब शादी होने वाली थी थोड़े टाइम में, तब हम लोग जाते थे घूमने घूमने के लिए, तब मैं इतना रेडी होकर नहीं जाती थी, लेकिन लड़कियों के साथ मैं जरूर बहुत अच्छे से यू नो वेल ड्रेस्ड होकर के जाती हूँ. तो निकल चुकी हूँ मैं और पहुँचती हूँ थोड़ी देर में, फिर मिलवाती हूँ आपको अपने फ्रेंड्स लोगों से. एक्साइटेड, और मैंने बाल भी थोड़े से अपने यू नो कर्ल करे हैं. और मैं लिटरली इतने पास रहती हूँ, 2 मिनट के रास्ते में रहती हूँ मैं, और सबसे लेट में होगी, जल्दी चढ़ाओ गाड़ी, ये विक्की की वजह से. आज आई थिंक मैंने पूरे 7 दिन कंप्लीट कर दिए एक ब्लॉग में.
तो एक्चुअली बहुत कुछ दिखाने को होता नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी अभी क्या बहुत कुछ चल भी रहा है, तो जो जो भी चल रहे हैं मेन वाइन वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, आज हम लोग सुबह जाकर के वेन्यू पे संगीत में, हल्दी में कैसा हमको बैकग्राउंड चाहिए, रिसेप्शन में हमको कैसा बैकग्राउंड चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड फाइनल करके आए हैं। तो वो हमारा डन हो गया है, तीनों की सारी साड़ीज़ और सब कुछ हो गया है, मतलब ड्रेसेस में उसका सब कुछ हो गया है। मैंने अपना लहंगा ऑर्डर किया है, एक लहंगा जो है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है संगीत का, मतलब मैं इतनी बड़ी रिस्क उठा रही हूँ, मैंने उस वेबसाइट से कभी कोई लहंगा परचेस नहीं किया है आज तक, लेकिन मुझे वो लहंगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। मैं वही सोच रही हूँ अगर ज़रा सा भी लहंगा ऊपर नीचे कुछ आ गया तो मैं लिटरली रो दूँगी। हाँ बट ठीक है, कोई नहीं। तो सारी चीज़ मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी आए थे लास्ट उसमें कि आपको नया सब कुछ लेना चाहिए बिकॉज एक ही शादी है घर में एंड ऑल दैट। तो मेरी मम्मी भी सेम उसी थॉट प्रोसेस पे थी कि भाई तुम्हारी एक ही सिस्टर इन लॉ है एंड यू शुड यू नो बाय सम न्यू क्लोथ। मेरा जो रिसेप्शन है वो सॉर्टेड हो गया है, माई फेरा ड्रेस इज सॉर्टेड, माई संगीत ड्रेस इज सॉर्टेड, माई हल्दी ड्रेस इज सॉर्टेड, और जो मामेरा ड्रेस होता है वो सॉर्टेड है। एंड अभी टीनू और हम लोग जा रहे हैं डरमैट के पास में। तो ये रही टीनू, टीनू हाय। तो हम लोग अभी वही डरमैट के यहाँ जा रहे हैं, उसका रिजल्ट देखेंगे कैसा आएगा, उसके बाद फिर मैं भी वही चीज करवाने वाली हूँ जो वो करवाएगी। ये लो मच्छर आएंगे, लगा लो। Hey guys, so we are back. और वो प्रोसेस हो गया है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ रिकॉर्ड कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड ज़रूर करती। तो क्या था ये, कुछ तो भी लेज़र ट्रीटमेंट था, कुछ अलग ही नाम था उसका, एक्चुअली दिस इज़ नॉट लेज़र, सम पता नहीं, आई डोंट नो क्या उसका नाम था। अभी तो उसकी स्किन काफ़ी रैशेज़ हो गए हैं उसको, डॉक्टर बोला इट्स नॉर्मल रैशेज़ होना, एंड थोड़े बम्प्स वगैरह भी आ गए हैं। 4 डेज़ में वो सेटल डाउन होते हैं, 15 डेज़ के बाद एक और सिटिंग होगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू देख पहले तेरी स्किन पे अगर बहुत ही अच्छा कुछ रिएक्ट अच्छा करेगा तो ही मैं कराऊंगी। तो आज का वीडियो, मैं थक गई हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करने भी जाना है, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ये वेडिंग सीरीज इन्जॉय कर रहे होंगे। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, जब से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे ना, जल्दी होने वाले हैं वो भी, क्योंकि दिवाली जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद फिर बहुत कम टाइम बचा है। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होंगे सबके अलग अलग व्लॉग्स बनाऊंगी मैं। और या दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।